मुंबई संडे स्पेशल, संडे का दिन ऐसे सब्जी मिलता है एकदम गाड़ी से उतार के सब चिल्ला चिल्ला के बेच देते हैं लोग। हम भी आए हैं भिंडी लेने के लिए, रुकिए दिखाते हैं। अरे बाबू, मेरा बेटा बेटी का फेवरेट भिंडी ली आज, भिंडी बनाने वाले हैं संडे स्पेशल भिंडी। ठीक है जाओ तब ट्यूशन पर, है ना, भिंडी लाइए, दाल भात भिंडी बनाएंगे पसंद वाला। आप लोग जानते हैं कि नहीं, ये भी एक जीवन है। ये देखिए हम लोग का चावल का डब्बा, चावल, ये देखिए अभी चावल बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, अभी भिंडी का भुजिया बनाएंगे, फिर मेरे बच्चे लोग घर पे आएगा, नहलाएंगे धुलाएंगे खाएंगे, फिर टैक्सी। तो दोस्तों मेरा दाल बन गया, सब्जी बन गया, भिंडी का भुजिया बन गया। अब मैं थोड़ा टाइम सोने जा रहा हूँ क्योंकि मेरा बेटा बेटी ट्यूशन पढ़ने गए हैं, अभी आधा से पौने घंटा में आ जाएंगे ताकि उठाएंगे पापा पापा, फिर खाना खाएंगे खिलाएंगे टैक्सी में निकलेंगे। जब तक के लिए थोड़ा सो लें। ये नीचे मैंने चटाई बिछा दिया, एक तकिया लगा दिया, गरीब आदमी ऐसा ही सोता है, पलंग उलंग नहीं है। हाँ खाना बन के रेडी है, अब निकालते हैं खाना। तो ऐसा जीवन जिया करो। अब हम लोग सब खाने बैठे हैं, ये मेरी चुनमुनिया है, वो मेरा बेटा इरफान, और अब खाना खाते हैं फिर टैक्सी चलाने जाएंगे तो मुंबई का ब्लॉगिंग दिखाएंगे। तो हेलो गाइस, फाइनली नहा धो के बच्चे लोगों को खाना खिला के और अपने खाना ठूस के आ चुके हैं टैक्सी में, और टैक्सिया ना हम खड़ा कर दिए थे धूप में, देख सकते हैं धूप है पूरा, तो इतना हीट इतना गर्म होके है ना गाड़ी में बैठा नहीं जा रहा है। पहले गाड़ी को यहाँ से निकालेंगे, जाके कहीं छाया में लगाएंगे, गाड़ी को साफ करेंगे, फिर चलेंगे मुंबई का दृष्ट वाला नज़ारा दिखाएंगे। अरे बाबू, हम ही हैं मुंबई वाला टैक्सी ड्राइवर। तो हमारा वीडियो देखते रहो, इंटरटेनमेंट लेते रहो, ज्ञान की कमी नहीं है, समझना होगा बाबू बस। अरे बाबू, तो अभी हम आके छाया में खड़ा है, थोड़ा धूप में गाड़ी बड़ा गर्म हो गया था मेरी जान, रिलायंस हॉस्पिटल के पास आके खड़ा है। ये देखिए ये है रिलायंस हॉस्पिटल, रुकिए दिखाते हैं नज़ारा। हाँ बने रहिए वीडियो में। ये है रिलायंस हॉस्पिटल, हरि किशन दास हॉस्पिटल, देखते हैं बाबू बिल्डिंग, ए हे गजब गजब, ये खाली पैसे का खेला है, यहाँ इतना बिल होता है ना मत पूछो, ये देखो लाखों का यहाँ बात होता है, लाखों का, हजार का बात नहीं होता, क्योंकि ये मुकेश अंबानी जी का है इसके लिए। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। हाँ पापा का जिम्मेदारी दिखाता हूँ, देखिए बैठे हैं, ओ चाचा बढ़िया, ये देखो ये है पापा का जिम्मेदारी, देखो दोनों चाचा पानी ढकेलते हैं, बड़ा दिल का अच्छे इंसान है, गरीब है पर बड़ा अच्छा है, हमको हमेशा मोटिवेट करते हैं, अच्छा से काम करो, ऐसे करो वैसे करो, और खुद जवानी से यही काम करते आए हैं। तो चलो जाने दो, हर काम हर किसी के लिए बने हैं, बस वाले ट्रेन नहीं बनाते, ट्रेन वाले बस नहीं बनाते, प्लेन वाले साइकिल नहीं बनाते, साइकिल वाले बाइक नहीं बनाते, हलवा वाला बिरयानी नहीं बनाते, बिरयानी वाला बहुत मसला है यार। लेपेंसी रोड में बैठे हैं इंतज़ार में कि कोई कस्टमर आ जाए, और आज संडे का दिन है, भरोसा रहता भी है नहीं भी रहता है, क्योंकि आज के दिन सब मुंबई वाले बाहर चले जाते हैं और बाहर वाले सब मुंबई आ जाते हैं। देखते हैं रात का 10-11 बजे तक तो ड्यूटी करना ही पड़ेगा ब्रो, नहीं तो नहीं चलने वाली है संसार। यारा मेरे यारा, संडे है ब्रो, कस्टमर नहीं है, पूरा मुंबई खाली है, देखो ना नाना चौक आ गया हूँ, ये देखो
नाना चौक में आके सो जाऊँ, टैक्सी में कोई मिलेगा कहीं जाने के लिए तो जाएंगे ना, खाली फुकट कहाँ भटकते रहेंगे। तो संडे का दिन थोड़ा मन उदास भी हो जाता है, कभी कभी संडे को खुश हो जाता है। धंधा के ऊपर भाई, मिडिल क्लास वाले का जिंदगी कमाई पे खुश रहती है ब्रो, कमाई पे। या 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 संडे का दिन है ब्रो, पूरा टैक्सी का लाइन लगा है, देखो आदमी है ही नहीं पब्लिक तो क्या करेगा, आदमी टाइम पास कर रहा है। अभी हम लोग ओपरा हाउस में हैं, उधर बिल्डिंग बन रहा है, इसे कहते हैं ओपरा हाउस, ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस में है, देख रहे हो। तो यही है मुंबई का गजब और दृष्ट वाला नज़ारा। अरे ए बाबू, हम ही तो हैं जो मुंबई को दिखाएंगे, हैं। अब देख लो भाई, 8 बज गया है और ये है मुंबई का नज़ारा। 8:15 बज गया, संडे का दिन है, गाड़ी मेरा गर्म हो गया तो मैंने बोनेट खोल के हाजी अली का पहले ही खड़ा कर दिया इधर। बोले बेटा तू खड़ा रह, तू आज चलने का लायक नहीं है। देख यार, हीट हो गया, गर्म हो गया मेरा गाड़ी। तो गाइस, अभी हम हैं रेस कोर्स में, गैस लेने आए हैं, मतलब CNG। ये देखिए CNG का लाइन में खड़े हैं। ये देखिए यहाँ CNG खाली हो रहा है और हम हैं मुंबई वाला टैक्सी ड्राइवर। तो हमको फॉलो किए कि नहीं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुंबई हम ही दिखावेंगे, पूरा मुंबई का गली गली का ब्लॉगिंग हम ही बनावेंगे। अरे हे बाबू राजा, यह राजा मुंबई हम घुराएंगे राजा। दोस्तों हाल तो ज़्यादा बुरा नहीं बता सकते हैं अपना, मगर हम हैं अभी ओपेरा हाउस में। ये जो देख रहे हैं ना पीछे रोड, ये जाता है चौपाटी। ये देखिए उधर से जो गाड़ी आ रही है वो बालू चौपाटी से आ रही है और ये है ओपेरा हाउस होता है। पहले ये हॉल था, यहाँ फिल्म चला करते थे, फिल्म मूवी, हाँ। लेकिन अभी शादी वगैरह होता है, इवेंट वगैरह। आप पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, देखिए ये है मुंबई। ए देखिए राजा जी, तो हम ही हैं जो स्पष्ट भाषा में बोल के और अखियाँ खोल के दिखावेंगे। तो हमारा चैनल वा सब्सक्राइब करिएगा, मुंबई वाला टैक्सी ड्राइवर। अरे हे बाबू कैसे हो, तो हमसे भी मीटिंग किया करो कभी कभी मुंबई में आके यार, हाँ सब मज़ा आएगा, पूरा घुमाएंगे मुंबई। 2000 रुपया लेंगे या 3000, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। हाँ आ जाओ मुंबई, जिसको जिसको घूमना है। अरे हे दादा, दोस्तों अभी हम हैं माटुंगा में, देख सकते हैं संडे का ऐसा इधर में होटल लगता है। देखो ये देखो, इधर ही एक कस्टमर पीछे छोड़े तो यहाँ पे आके रुके हैं कि कोई अल्लाह का बंदा मिल जाए कि भाई कल्ला दादर तो मेरा 50-60 का मीटर हो जाएगा। लेकिन लगता है कोई नहीं है, तब अब आगे बढ़ेंगे, बने रहिए वीडियो में। अभी 11 बजा है और 1 घंटा टाइम है मेरा ड्यूटी का, फिर ड्यूटी। तो दोस्तों अभी हम हैं नायर हॉस्पिटल के बाजू में, देख सकते हैं ये है नायर हॉस्पिटल और उधर भी टैक्सी की लाइन लगी है। और देख सकते हैं आप लोग रात का बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं गाड़ी पार्किंग करने, बने रहिए। तो फाइनली गाइस रिलायंस हॉस्पिटल के पास आ गया और मेरा गाड़ी पार्किंग भी हो गया और देख सकते हैं ये देखिए रिलायंस हॉस्पिटल का गेट है वो। तो दिन भर जितना ब्लॉगिंग किए, अगर कुछ गलती हो गया हो तो सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। और आप लोग मुंबई वाला टैक्सी ड्राइवर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मुंबई वाला टैक्सी ड्राइवर 85 माई लकी नंबर, इसके लिए मैं 85 को लगाता हूँ हमेशा। तो बस गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, अपने छोटे भाई को मुस्कुराते रहिएगा, हम आप लोगों के लिए दुआ करते हैं। तो गुड नाइट, चुम्मेस वेरी वाला चुम्मा मेरी जान, पान की दुकान में चूना कत्था लगा के मुंह मेरा लाल। तो दोस्तों घर से ऑर्डर आया है कि राइस लेकर आइएगा 2 प्लेट, खाना नहीं बना रात को। तो देख रहे हैं भैया रोटी बना रहा है। ये है निकजात रेस्टोरेंट, अरब गली सिंगल में है, मैं यहाँ से ही खाना लेता हूँ, बड़ा मस्त।
और ज़बरदस्त बनाता है। ये देखिए, ये है अरब गली सिंगल, देखिए कि नहीं, ये देखिए अरब गली सिंगल। तो यही है दोस्त, सामने सुहाग फिल्म लगा है अजय देवगन का, देख सकते हैं मुंबई में। ले चुके राइस, अब चले घर हम। और ये है गली, मस्जिद गली जहां मैं रहता हूं, आप लोगों का छोटा भाई यहीं पे रहता है, मस्जिद गली फलकन रोड, सामने मस्जिद है। और अब हम आ चुके हैं मेरा बिल्डिंग में, यही बिल्डिंग में आप लोगों का छोटा भाई अमजद रहता है। तो बने रहें वीडियो में, घर के अंदर चलते हैं, देखते हैं। बड़ा अंधेरा है यार गली में, वाह। तो फाइनली हम घर आ चुके हैं, बेटा बेटी देख रहे हैं सब डब्बा साफ़ कर रहा है, क्योंकि रमज़ान आने वाला है, इसमें सब सामान रहेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, दिखाते हैं क्या नज़ारा है घर का। दोस्तों राइस लाए हैं, बेटा बेटी चालू कर दिया खाने, और मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं है, मेरी वाइफ खाएंगे, मैं तो दाल चावल खा लूँगा। बने रहिए वीडियो में, देखते हैं नज़ारा। सुबह देंगे हम पक्का, अभी खाली छुट्टा है, दे देंगे गिन के ना, सब छुट्टा ही है। हाँ हाँ मालूम, शुरुआत डाल नहीं को पापा, ठंडा अंडा, ठंडा गरम में डालेंगे ना तो बहुत डाल लगता। अरे वो थैली रखा है अम्मी के लिए। और मेरी धर्म पत्नी जी अभी कपड़ा धो रही हैं, रात का 12:30 बजे, सोचिए शहर का लाइफ कैसा होता है। तो गुड नाइट, दुआ में याद रखिएगा।